नमस्कार, मैं दीपांशु शुक्ला और आप देख रहे हैं मंत्र अनुष्ठान लाइव। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। आज का विषय बहुत खेदजनक है। समाज में अभ्रांति फैलाई जा रही है कि स्त्रियाँ शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, उपासना नहीं कर सकती, और अगर उनको शिव उपासना करनी भी हो तो निराकार रूप में करें, ना कि साकार रूप में। तो आज के वीडियो में यह स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि स्त्रियां भी शिव की उपासना कर सकती हैं और वो भी साकार रूप में। जब धर्म की विवेचना मूर्खों ने की तो उन्होंने शिवलिंग को लिंग बता दिया कि यह शिव जी का लिंग है। यह बात जितनी मूर्खतापूर्ण है उतनी ही खेदजनक भी। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि महिलाएं शिवलिंग को हाथ न लगाएं। मैं फिलहाल चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने इस जगह गलत व्याख्या की है। वीडियो में उन्होंने बताया कि महिलाएं शिवलिंग को ना छुएं। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं द्वारा शिवलिंग छूने से माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। यह कथन पूरा गलत है और मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। कई अन्य वीडियो में बताया गया कि स्त्रियां यदि शिवलिंग को छू लें तो परिवार में आफत बरस जाती है, ना ही स्त्रियों को शिवलिंग छूना चाहिए और ना ही उस पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सब पोंगा पंथ की बातें हैं। सनातन धर्म का ज्ञान न होने के कारण तथा कथित विद्वान भ्रम फैला रहे हैं। अब आते हैं वास्तविकता पर। पहली बात तो ये कि जो लोग शिवलिंग को लिंग मानते हैं वह गलत है। उनकी विचारधारा और समझ भी गलत है और सीमित है। लिंग का मतलब सिंबल से है, चिन्ह से है। वे लोग जो शिवलिंग से जननांग का अर्थ निकालते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि वेदों में जननांग के लिए लिंग नहीं अपितु शिशन शब्द का प्रयोग किया गया है। शिशन जननांग है और लिंग सिंबल है। संसार में कोई भी वस्तु बिना लिंग की नहीं है, फिर चाहे वो पुरलिंग हो या फिर स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग ही क्यों ना हो, लेकिन लिंग के बिना संसार में कोई भी वस्तु संभव नहीं। जिस तरह हम पुरलिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग पहचान के लिए करते हैं, उसी तरह शिवलिंग का प्रयोग उस निराकार की पहचान के लिए करते हैं जिसे आकार नहीं दिया जा सकता। सीधे शब्दों में शिवलिंग उस निराकार का आकार है, लेकिन कुछ मूर्ख इसे जननांग से जोड़ते हैं, वे जोड़ते रहेंगे, यही उनका एजेंडा है। लेकिन सनातनी लोगों को यह समझना होगा कि शिवलिंग एक चिन्ह है, सिंबल है, ना कि जननांग। और स्त्रियां शिवलिंग को छू सकती हैं और माता पार्वती रुष्ट भी नहीं होती। ऐसा किसी वेद या पुराण में नहीं मिलता जहां स्त्रियों को शिवलिंग छूने की मनाही हो। हाँ, अपवित्रता के काल में महिलाओं को शिवलिंग और मंदिर दोनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि स्त्रियां शिवलिंग को छू नहीं सकती। बेशक छू सकती हैं। यह सच है कि यूट्यूब पर ज्ञान की गंगा बह रही है, लेकिन यहाँ भी सब कुछ सत्य नहीं है। कुछ भगवाधारी भी हैं जो बड़े पंडाल से आवाहन करते दिखते हैं कि स्त्रियां शिवलिंग को हाथ न लगाएं। यह मिथक है। और जो खुद ऐसा कहते हैं वो सनातन संस्कृति से परिचित नहीं है। हाँ, शिवलिंग के साथ कुछ मनाही है, लेकिन स्त्रियां शिवलिंग को छू नहीं सकती, ये सरासर गलत है। अगर ऐसा है जो नहीं करना चाहिए तो वो ये है कि शिवलिंग पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद केवल गैर ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर केतकी का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी ही तथ्यात्मक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल मंत्र अनुष्ठान लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।